मंथन संपूर्ण विकास केंद्र, जिसके अंदर हमारे दिल्ली के अंदर 18 सेंटर हैं और जिसमें से एक सेंटर हमारा पटेल नगर है। यहाँ पे हमने 3 साल पहले स्टार्ट किया था और ये राजस्थानी कॉलोनी है सारी। और फर्स्टली हमने यहाँ पे एक सर्वे किया और जब हमने सर्वे किया तो यहाँ पे देखा कि मोस्टली स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जाते थे और कुछ स्टूडेंट्स जाते थे, बट हमें पता है कि गवर्नमेंट स्कूल में 8th क्लास तक ऐसे ही पास कर दिया जाता है। तो इस वजह से बहुत बच्चों की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन थी। तो वो ब्रिजिंग, उसके बीच में जो ब्रिजिंग होती है, मींस वो हैं तो 4th स्टैंडर्ड में, उनकी एज अकॉर्डिंग टू 4th स्टैंडर्ड है, पर उनको 1st क्लास का भी नहीं आता, इवन KG का भी नहीं आता। तो इस बीच इस क्लास को मैनेज करने में, क्योंकि हम कोई गवर्नमेंट स्कूल में लेके गए उनको एडमिशन कराने, तो उन्होंने कहा कि उनका एडमिशन 4th क्लास में होना चाहिए जबकि लेवल KG का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू SSA सर्व शिक्षा अभियान उनका 4th क्लास में एडमिशन होना है, बट लेवल नहीं है। इस चीज़ के बीच में ब्रिजिंग करना मंथन के लिए, मंथन का ये टास्क है। तो मंथन ने इसको काफ़ी किया है, आप सभी ने देखा कैसा भी किया, और हम सभी टीचर्स, हम सभी वॉलेंटियर्स ये प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से ये बच्चे उस हाइट को प्राप्त कर पाए। और इसमें हम मोस्टली ये करते हैं कि इनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग कराते हैं, जैसा हम स्कूल में पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ाई की, वैसे नहीं, सिर्फ बुक से नहीं, उनको एक्टिविटी तरीके से कराते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज़्यादा बहुत कुछ, इनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत अच्छी है बट आज तक इनको कोई मौका नहीं मिला। तो हमको एक्टिविटी बेस्ड तरीके से कराते हैं और आप जैसे लोग यहाँ पे आके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिलता है, नए नए लोगों से इंटरेक्ट होके एक्सपीरियंस होता है कि दुनिया क्या है, कहाँ पे आज लोग काम कर रहे हैं और हम कहाँ हैं। तो इस बीच में उनको जो सीखना है हम चीज़ सिखाते रहते हैं। और मंथन यही है, सर श्री आशुतोष महाराज जी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के माध्यम से एक प्रकल्प चल रहा है जिसके भीतर यही है कि हम एजुकेशन का लेवल जो डाउन होता जा रहा है उसको कैसे हाई करें और नैतिक शिक्षा के साथ जोड़कर, नैतिक शिक्षा को सब जो वैल्यूज़ आजकल गायब होती जा रही है उन वैल्यूज़ को मंथन साथ लेकर एक कहना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ एक ये नहीं कि हम एक जॉब कर रहे हैं आज किसी चीज़ को प्राप्त कर लिया, नहीं, एक जो समाज को जिसकी ज़रूरत है वैसा नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है।